नमस्कार, बीटीवी विशेषमां આપનું સ્વાગત છે। હું નિશ્ચિત રાજ્યગુરુ। આપણા દેશના વડાપ્રધાન ચૂંટણી પહેલા જૂની સરકારને વન રેન્ક વન પેન્શન મામલે આડે હાથ લેતા હતા। તેઓ વડાપ્રધાન બન્યા પછી દાવો કરે છે કે તેમની સરકારે આ યોજના લાગુ કરી દીધી છે। તેઓ દિવાળી પણ સરહદ પર સેનાના જવાનો સાથે ઉજવે છે તો વારંવાર સેનાના ઉપકારો યાદ કરે છે। જો કે આમ છતાં એક માજી સૈનિકે વન રેન્ક વન પેન્શન યોજનાની અધકચરી અમલવારીના કારણે આત્મહત્યા કરવી પડી છે। આ આત્મહત્યા પછી મોદીએ ચૂંટણી ટાણે આપેલા વચનને યાદ કરી સૈનિકો અને નાગરિકોને લાગી રહ્યું છે કે મોદીએ સૈનિકો સાથે વિશ્વાસઘાત કર્યો છે। આજે વીટીવી વિશેષમાં જોઈશું આ જ વિષય પર અમારી વિશેષ રજૂઆત વિશ્વાસઘાત। नरेन्द्र मोदी वडाप्रधान बन्या पछी सेनाना उपकारोने वारंवार याद करता रह्या छे। पाकिस्तान सामे ज्यारे हालमां युद्धनो माहौल बन्यो त्यार पछी तो मोदी सेनाना जवानोनो उत्साह वधारवानो प्रयास करता जोवा मळ्या। तेमणे दिवाळी पण सेनाना जवानो साथे उजवी तो नागरिकोने पण जवानो प्रत्ये कृतज्ञता व्यक्त करवानुं याद अपावानो प्रयास कर्यो। तेमणे दावो कर्यो छे के 40 वर्ष जूनी वन रेन्क वन पेन्शननी पडतर मांग संतोषाय छे। जो के તેમના દાવા વચ્ચે જ આ મુદ્દે જ એક માજી સૈનિકે આત્મહત્યા કરી લેતા સેનાના માજી સૈનિકોને લાગે છે કે મોદીએ ચૂંટણી વખતે આપેલું વચન સંપૂર્ણ રીતે પૂરું ન કરતા વિશ્વાસઘાત કર્યો છે। દેશે જ્યારે જાગવાનું છે ત્યારે તે સૂતો રહેશે તો આપણું લશ્કર આપણને ક્યારે માફ નહીં કરે। भारतीय सेना वातो करवामा नहीं पण युद्धना मैदान मा बहादुरी बतावामा माने छे। आपणे ज्यारे शांति थी सूता होईए छीए त्यारे आपणुं लश्कर आनंद मा होय छे, तेमने कोई फरियादो नथी। कमनसीबे आपणे ज्यारे जागवानुं छे त्यारे आपणे सूई रह्या छे। वडाप्रधान नरेन्द्र मोदीए भोपाल मा शौर्य स्मारकनुं लोकार्पण करती वखते निवृत्त लश्करी अधिकारीओ अने तेमना परिवारजनोने संबोधन करती वखते आ शब्दो उच्चार्या हता। इसलिए अपनी जवानी खपा देते हैं कि हम चैन की नींद सो सके। मेरे देश की सेना को हम चैन की नींद से सो जाएं उसे सर्वाधिक खुशी मिलती है। हम चैन की नींद से सो जाए उसे संतोष होता है। हमारे सोने पर उसको शिकायत नहीं होती है, लेकिन जागने के वक्त भी अगर सो जाए तो सेना हमें कभी माफ नहीं करती है। और दुर्भाग्य यह है कि कभी कभी हम जागने के समय भी सोए पाते जाते हैं। संस्कृत में कहा है राष्ट्रयाम जागरयाम वयम, इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। सतत जागते रहो, और सिर्फ सेना के जवान जागते रहे ये तो उनके साथ अन्याय होगा, हमें भी जागने के समय तो जागना ही चाहिए, उस समय सोने का हमें हक नहीं। शौर्य स्मारक ना उद्घाटन वक्ते वडाप्रधान मोदीए वन रैंक वन पेन्शन योजना नो पण जश लेवानो प्रयास कर्यो हतो। आ प्रसंगे ज मोदीए कह्युं हतुं के अमारी सरकारे वन रैंक वन पेन्शन आपवानुं वचन आप्युं हतुं जे अमे निभाव्युं छे। तेमणे स्पष्ट कर्युं हतुं के लश्करना भूतपूर्व अधिकारीओने आपवामां आवेलुं वचन पूरुं कर्युं छे। અને છેલ્લા 40 વર્ષથી જે મુદ્દો લટકી રહ્યો હતો તે વન રેન્ક વન પેન્શન યોજનાના અમલ માટે પ્રથમ હપ્તા તરીકે રૂપિયા 5500 કરોડ ચૂકવી દેવામાં આવ્યા છે। આ દિવાળીમાં પણ મોદીએ જવાનો સાથે ઉજવી હતી તો દેશવાસીઓ કો રિક્વેસ્ટ કી થી કે ઇસ બાત સંદેશ ટુ સોલ્જર मैंने तो दिया संदेश अपनी भावनाएं व्यक्त की, लेकिन मैंने देखा
करोड़ों करोड़ों हिंदुस्तानियों ने इस बार दिवाली का दिया जवानों के नाम पर जलाया। पूरे देश में ऐसा माहौल, आप तो यहां इतने दूर हैं शायद अंदाज तक नहीं होगा क्या चल रहा है। पूरी दिवाली देश के सुरक्षा बलों के नाम समर्पित होगी। बड़े बड़े फिल्मी कलाकार हो, खिलाड़ी हो, क्रिकेट जगत के सितारे हो, वैज्ञानिक हो, व्यापारी हो, किसान हो, सरकारी अफसर हो, बाबू हो, मुलाजिम हो, राजनेता हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, स्थानीय काम करने वाला संतरी हो, सब कुछ हर एक के दिल दिमाग में जब दिया जला रहा था तो आपका चेहरा उसको दिखाई दे रहा था। दिवाली की उजवणी करता वडाप्रधान नरेंद्र मोदी देश की सरहदों की सुरक्षा और देश नु रक्षण करवा बदल लश्करी अधिकारियों की प्रशंसा पण करी हती। दीपावली के दिन देश की सुरक्षा में जो लोग लगे हैं, जिनके कारण देश सुख चैन की जिंदगी जी सकता है, जब आप जगते हैं तब वो सोते हैं, अगर आप न जगते तो उनके नसीब नींद भी नहीं होती। जो कि मोदी ने आ सेना प्रत्येनी भावना मात्र तेमना शब्दों पूरती मर्यादित होय तेम लागे छे, केम के एक माजी सैनिके हाल माज आत्महत्या करी लीधी छे। बुधवार वेली सवारे हरियाणा ना 70 वर्षीय निवृत्त सैनिके झेर पी आत्महत्या करी लेता खड़भड़ाट मची गयो हतो। सुबेदार राम किशन रिवाले आत्महत्याना थोड़ा कलाकों पहला वन रैंक वन पेंशन अंगे केंद्रीय संरक्षण प्रधान मनोहर पारिकर ने एक आवेदन पत्र आपवानो निष्फळ प्रयास कर्यो हतो। पहली बात तो हमें बड़ा दुख है कि हमारा एक वेटरन जिसकी कल डेथ होगी, हमें बहुत दुख है इस बात का। दूसरी बात, जो हमें सुसाइडल नोट मिला है, मेरे को भी आधा पौना घंटा पहले, वो रक्षा मंत्री के पास मिलने गए थे और सुनने में आया कि रक्षा मंत्री ने उनसे मिलने के लिए इनकार कर दिया गया और उसके बाद में इस जेसीओ ने उनके घर भाग सुसाइड कर लिया और उसके बाद में इसको शिफ्ट किया गया, जो मुझे बताया गया, एम्स में, जहां पर डॉक्टरों ने काफी कोशिश करी उसको रिवाइव करने के लिए, वो रिवाइव नहीं हो पाया। आवेदन पत्र ना नीचे ना भाग में सुसाइड नोट में राम किशन रिवाले लख्यू तू कि हूँ मारा देश, मारी मातृभूमि अने मारा देश ना बहादुर जवानों माटे मारा जीवन नु बलिदान आपू छू। आ पहला पण माजी सैनिकों ने लाग्यू हतुं के मोदीए वन रैंक वन पेंशन बाबते मोदीए विश्वासघात कर्यो छे ते आगळ जोईशुं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीटीवी न्यूज। विशेष रजूआत में रुकाई एक विराम माटे। વેલકમ બેક। નરેન્દ્ર મોદી સેનાના જવાનો વિશે જે બોલે છે તે સાંભળવું ગમે છે। તેમણે દિવાળી સેનાના જવાનો સાથે ઉજવી તે પણ સરાહનીય કામ લાગે છે। જો કે માજી સૈનિકોને લાગે છે કે મોદીએ ચૂંટણી પહેલા જે વન રેન્ક વન પેન્શન અંગે જે વચન આપ્યું હતું તે પૂરું કર્યું નથી। માજી સૈનિકોના મતે મોદી સરકારે જે યોજના અમલમાં મૂકી દીધી છે તેમાં હજી પણ 10-15% ખામીઓ છે। આથી મોદી ભલે સરહદ પર જઈ સૈનિકો જોડે દિવાળી ઉજવે પણ માજી સૈનિકોએ વન રેન્ક વન પેન્શન મામલે સુપ્રીમમાં જવું પડે ત્યારે લાગે છે કે શું મોદી સરકારે પણ સૈનિકો સાથે વિશ્વાસઘાત કર્યો છે। મોદી વડાપ્રધાન બન્યા પછી અવારનવાર સેના પ્રત્યે આદર વ્યક્ત કરતા રહ્યા છે। હાલમાં જ તેમણે સેનાના જવાનો સાથે દિવાળી મનાવી તો નાગરિકોને અપીલ પણ કરી કે જવાનોને દિવાળીની શુભકામના પાઠવે। એક વડાપ્રધાન દેશની સેના પ્રત્યે આટલો આદરભાવ રાખે તે ગમે તેવી બાબત છે।
जो कि एक माध्यमिक श्रेणी के वन रैंक वन पेंशन की पड़तर मांग न संतोषाता आत्महत्या कर लेता मोदी ना सेना प्रेम पर सवाल उठी रहा छे। मोदी ना राजकीय विरोधी माजी सैनिकों अने नागरिकों ने लागी रही छे। जवानों ना मामले मोदी ना बतावाना अने चावाना जुदा छे। मोदी वडाप्रधान बन्या ते पहला चूंटणी प्रचार में जूनी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन मामले आड़े हाथ लई सेना ने हामी होवानो देखाड़ो करता हता। मोदी चूंटणी जीतवा शू बोल्या हता ते आओ फरी संभळावीए। सबका साथ सबका विकास। कई वर्षों से वन रैंक वन पेंशन आए दिन सुनने को मिलता है। क्या तकलीफ हुई है? मैं आज सार्वजनिक रूप से देश के सेना के जवानों की तरफ से, देश की सेना के पूर्व जवानों की तरफ से भारत सरकार से मांग करता हूं कि वन रैंक वन पेंशन के संबंध में क्या स्थिति है उसका व्हाइट पेपर घोषित करें। जो कि मोदी वडाप्रधान बन्या पछी माजी सैनिकों ने वन रैंक वन पेंशन मुद्दे आपेलू वचन भूली गया होवानो खुद माजी सैनिकों एहसास कर्यो हतो। मोदी भले अत्यारे सेनाना पराक्रम ने लई वारंवार बोलता होय अने वन रैंक वन पेंशन ने लई आपेलू वचन पूरु कर्यु होवानी वात करता होय पण माजी सैनिकों ने असंतोष छे। 1973 में हमारे फौजियों को सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ मिला दिया। हमारा रिटायरमेंट 35 साल से 37 साल की उम्र में हो जाता है जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये डिमांड वन रैंक वन पेंशन का तब से शुरू हो गया जो आज के प्रधानमंत्री जी हैं। उन्होंने 15 सितंबर 2013 को रिवाड़ी में एक बहुत बड़ी सैनिकों की रैली करके ये ऐलान किया कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो हमारी वन रैंक वन पेंशन तो देंगे ही देंगे। हमारे फौजियों ने इस सरकार की बात मानकर, आज के प्रधानमंत्री की तब की बात मानकर हमने इस पार्टी को सपोर्ट किया, सरकार बन गई। लेकिन ये हमारी जो वादा किया हुआ था उसको भूलने लगे और आखिर में हमने 14 जून को 2015 को यहाँ पे एक बड़ी रैली करके 15 से तारीख से अगले दिन से हमने रिले भूख हड़ताल शुरू कर। ताजेतर में जो वन रैंक वन पेंशन अमल में मुकवा माटे पिटीशन दाखिल करवा पर सुप्रीम कोर्टे सरकार पासे थी 8 अठवाड़िया में जवाब मांगियो तो। इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंटे सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल करीने मोदी सरकार द्वारा वन रैंक वन पेंशन पर असंतोष व्यक्त कर्यो हतो। पिटीशन में जणाव्युं छे के सरकार द्वारा अमल में मुकवामां आवेली योजना कौशारी कमिटी की भलामणों पर आधारित नहीं। सरकारे कमिटी की भलामणों ने संपूर्ण रीते अमल में न मूकी होवानो पण आरोप मूक्यो हतो। पिटीशन में मांग करवामां आवी हती के वन रैंक वन पेंशन योजना ने कौशारी कमिटी ने भलामण ने आधारे अमल में मुकवामां आवे। आर्मी में लांबा समय थी वन रैंक वन पेंशन योजना अमल में मुकवानी मांग चाली रही छे। यूपीए सरकारे 2014 में सांसद में वन रैंक वन पेंशन नी स्कीम जाहरात करी हती। मोदी सरकारे सत्ता पर आवीने पण वन रैंक वन पेंशन अमल में मुकवानु वचन आप्यु हतु अने पोतानु वचन पाळता ते अमल में पण मुकी दीधु हतु। जो के अमलवारी अधूरी गणाय छे केम के कौशारी कमिटी नी घणी भलामणो टाळवामां आवी होवानु मनाय छे। वन रैंक वन पेंशन ने लड़त लड़ी रहेला इंडियन एस सर्विसमैन मूवमेंट ना मते सरकारी योजना अमल में मुकी दीधी छे अने मोटा भागे लोको खुश छे। आम छता हजी पण 10-15% खामीओ छे जेने तेओ सरकारनी साथे वातचीत करीने उकेलवा मांगे छे। चालू योजनामां कोशियारी कमिटीनी भलामणोने पूरी रीते अमलमां मुकी नथी। वर्तमानमां चालती योजनामां केटलाक तफावतो पण छे। 5 सितंबर को गवर्नमेंट ने वन रैंक वन पेंशन इंप्लीमेंट करने के लिए अनाउंसमेंट कर दी। उन्होंने जो अप्रूव डेफिनेशन था वन रैंक वन पेंशन का वो भी उसको बदली कर दिया और डेफिनेशन को ही तोड़ मोड़ दिया। बड़ी सिंपल डेफिनेशन है, एक जैसी सर्विस और एक जैसा रैंक। ये इसलिए है क्योंकि हम जल्दी रिटायर हो जाते हैं
हमारी उम्र भी कम है, जबकि बाकी का जो देशवासी जो नौकरी करते हैं उनकी औसत उम्र 76 से 77 साल की है, हमारे सिपाही की उम्र 59 से 64 साल तक मर जाती है, बाकियों से बहुत कम उम्र। तो अगर देश हमारी सेवाओं को इस्तेमाल करता है देश की सरहदों को महफूज रखने के लिए, एक जो आला दर्जा, एक उत्तम नागरिक का दर्जा होना चाहिए, लेकिन आज तक सरकारों ने हमारे को हमारा हक नहीं दिया है। आखिर में जो वन रैंक वन पेंशन दिया वो लंगड़ा है। कमिटीए कहू हतुं के रैंक अने सेवानो समयगाळो समान होवा पर जूना पेंशनर नू पेंशन पर नवाना बरोबर करवामां आवशे, અને જ્યારે નવા પેન્શનરનું પેન્શન વધે તો જૂનાનું પણ તેની જાતે જ વધી જાય। જે પ્રમાણે વેતન દર વર્ષે 3% વધે છે તેમ પેન્શન પણ દર વર્ષે 3% વધવું જોઈએ। પરંતુ સરકારે પેન્શન 5 વર્ષે વધવાની વાત કરી છે, તેના પર પણ કેટલાકને વાંધો છે। આ સંજોગો વચ્ચે હરિયાણાના 70 વર્ષીય નિવૃત્ત સૈનિકે ઝેર પી આત્મહત્યા કરી લેતા ખળભળાટ મચી ગયો હતો। सूबेदार रामकिशन गेवाले आत्महत्या थोड़ा कलाकों पहला वन रैंक वन पेंशन अंगे केंद्रीय संरक्षण प्रधान मनोहर पारिकर ने एक आवेदन पत्र आपवानो निष्फल प्रयास कर्यो हतो। आवेदन पत्र ना नीचेना भागमां ज सुसाइड नोट में रामकिशन गेवाले लख्यु हतु के हूँ मारा देश, मारी मातृभूमि अने मारा देशना बहादुर जवानों माटे मारा जीवन बलिदान आपू छू। माजी सैनिक नी आत्महत्या पछी વધુ એકવાર સૈનિકો સાથે વિશ્વાસઘાત ત્યારે થાય છે જ્યારે સૈનિકના મોત પર રાજકારણ રમાય છે। બ્યુ રિપોર્ટ, વીટીવી ન્યૂઝ। વિશેષમાં સમય વધુ એક વિરામનો। વેલકમ બેક। વન રેન્ક વન પેન્શનનો મુદ્દો મોદી સરકારના ગાળાનો ગાળિયો બની ગયો હોય તેવું લાગી રહ્યું છે। જ્યાં એક તરફ ઓઆરની માંગ લઈને પૂર્વ સૈનિક રામકિશને આત્મહત્યા કરતા રાજકારણ ગરમાયું, જેમાં કેજરીવાલે 1 કરોડ રૂપિયાની સહાયની જાહેરાત કરી। માજી સૈનિકની આત્મહત્યાથી દેશને જે આઘાત લાગ્યો તેનાથી વધુ આઘાત તો ત્યારે લાગ્યો જ્યારે આ મુદ્દે રાજકારણ પણ શરૂ થઈ ગયું। એક સૈનિકની આત્મહત્યા જાણે કે રાજકીય મુદ્દો બની ગઈ હોય તેવું લાગી રહ્યું છે। વન રેન્ક વન પેન્શનની રજૂઆતમાં કથિત અનિયમિતતાઓના મુદ્દે પૂર્વ સૈનિકે આત્મહત્યા કરી, તો બીજી બાજુ પૂર્વ સૈનિક રામકિશનના મોત પર રાજકારણ ગરમાયું છે। રામકિશનની અંતિમ યાત્રામાં રાહુલ ગાંધી અને અરવિંદ કેજરીવાલ પહોંચ્યા હતા, તો બીજી બાજુ રામકિશનના પરિવારજનો માટે અરવિંદ કેજરીવાલે 1 કરોડ રૂપિયાની આર્થિક સહાયની જાહેરાત કરી છે। મોત ભી ઉન્હોને દેશ કે લિયે કી, હમ ઉન્હે શહીદ માનતે હૈ, દિલ્હી સરકાર ઉન્હે શહીદ કા દરજા દેગી, ઓર જૈસે દિલ્હી સરકાર કી પોલિસી હૈ 1 કરોડ રૂપે કી રાશિ ઉનકે પરિવાર કો સહાયતા કે લિયે દેગી, ઉનકા ઉનકી શહાદત કી કીમત નહીં લગાઈ જા સકતી, લેકિન એક યે છોટા સા दिल्ली सरकार की तरफ से सहायता राशि है 1 करोड़ रुपए की जो इनके परिवार को देगी। तो बीजी बाजू पूर्व सैनिक ना परिवार मोदी सरकार सामे रोष ठेलव्यो, तो आ साथे विरोधी पार्टीओ पण मोदी सरकार सामे मोर्चो मांड्यो हतो अने मोदी सरकार नी आलोचना करी हती। वाले में कैसे शहीद हुआ भाई ये मेरे को पता नहीं चला। तो इस सरकार ने रिजाइन देना चाहिए, वो अपने हाथ खड़े कर देना चाहिए, सरकार नहीं चला सकते। पहली चीज तो मेरी ये कि एक जवान सचिवालय में शहीद होता है और इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी। इस सरकार ने सोचना चाहिए और एक रैंक एक पेंशन जो भी उसमें खामियां हैं उनको उसी टाइम दुरुस्त करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने जो कुछ कल किया है, दिल्ली के मुख्यमंत्री को एक परिवार से मिलने के लिए जाने पर उनको गिरफ्तार किया। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री कई जो सिपाही है पेंशनर है उनके परिवार से मिलने के लिए जाने से भी रोका जा सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की तानाशाही आज चल रहा है। तो बीजी बाजू भाजपे राहुल गांधी अने अरविंद केजरीवाल पर मौत पर राजनीति करवानो आक्षेप कर्यो हतो।
जो लाशों पर राजनीति इस देश में होती है और अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी तो शायद इस इंतजार में रहते हैं कि कब किसी की मौत हो और उस मौत पर उसकी मौत की चिता पर वो राजनीतिक रोटियां कैसे सेकें। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने इस देश को दोनों हाथों से लूटने का काम किया। एक तरफ पूर्व सैनिकों ना मौत पर राजकारण रमाई रह्यु छे जो के लोक लागणी मेळवानी लाहमां वन रैंक वन पेन्शन नी जे खामीओ छे ए खरेखर क्यारे दूर थशे ते एक सवाल छे। ब्यूरो रिपोर्ट वीटीवी न्यूज। एक तरफ वन रैंक वन पेंशन पर पूर्व सैनिक आत्महत्या करवी पड़ी तो बीजी बाजू केंद्रीय मंत्री वीके सिंह विवादित निवेदन आप्यू छे। वीके सिंह कहू छे कि पूर्व रामकृष्ण कांग्रेस ना नेता हता ने कांग्रेस नी टिकट पर सरपंच बन्या हता। वन रैंक वन पेंशन पर राजकीय मुलाकातो थी जेमा राहुल गांधी अने अरविंद केजरीवाले सरकार ने घेरवानो प्रयास कर्यो जो कि प्रधानमंत्री मोदी भले तेमना नेताओं ने विवादित निवेदनों थी दूर रहेवानी सलाह आपी होय परंतु जनरल वीके सिंह एक बार एक विवादित निवेदन आपी रहा छे। पहला तेमने पूर्व सैनिक ने मानसिक अस्वस्थ कहा तो बीजी बाजू फरी राजकीय निवेदन आप्यु अने कह्यु के पूर्व सैनिक रामकिशन कांग्रेस ना नेता हता तेरा निवेदन ने लेने वीके सिंह चौतरफ थी घेराया छे। आपको शायद पता होना चाहिए वो कांग्रेस के वर्कर थे, कांग्रेस की टिकट पर सरपंच बने हुए थे लेकिन हमारे सैनिक थे। उनके निधन पर दुख है, कोई भी अगर आत्महत्या करता है तो उसके ऊपर दुख होता है लेकिन जो समस्याएं उनकी निकल कर आ रही है वो वन रैंक वन पेंशन से ताल्लुक नहीं रखती थी। तो बीजी बाजू कांग्रेस का नेता राज बब्बर वीके सिंह पर निशान साधी हो तो दुर्भाग्य इस देश का कि ऐसा व्यक्ति जर्नल लिखता अपने सामने, कम से कम उस माटी की इज्जत करता, उस पेशे की इज्जत करता। वो सैनिक रह चुका है, एक पूर्व सैनिक ने आत्महत्या की है, वो भी भिवाणी का है। इस मिट्टी से तुम पैदा होके आए हो, तुम भी भिवाणी के हो, तुम्हें किसी की लाज नहीं है। तुमने उस आत्महत्या करने वाले उस महान आत्मा की जिसने अपनी आवाज को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। तो आज साथ रिटायर्ड सैन्य ना जवानों में अपन रोष फैलायो तो मैं इसके बारे में कमेंट नहीं करूंगा। मैं वीके सिंह साहब हमारे छोटे भाई हैं, ये हमारे ही स्क्वाड्रन के हैं एनडीए से। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं, लाइक ऑफिसर है। ऐसे नहीं सोचना होगा और ना ही बोलना सही होगा। अगर कहीं एक पार्टी में है अगर कोई ऐसी बात कर रहे हैं तो मैं उनको सलाह दूंगा कि आप हमेशा के लिए सैनिक रहना चाहिए और ऐसी स्टेटमेंट बनाओ जिसमें आपको पूर्ण रूप से इज्जत मिले। टोटली गलत है। अब क्यों बोल रहे हैं दूसरी बार कि वो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, कांग्रेस के साथ लगे हुए थे? पहले क्यों नहीं बोला? हम तो जब जानते जो वो पहले बोलते। अब इसका मतलब डबल स्टैंडर्ड एक हमारे जनरल साहब कर रहे हैं हमारे एक भूतरुख सैनिक के मरने के बाद में। ये मैं इसको टोटली कंडम करता हूँ। पूर्व सैनिक रामकिशन कांग्रेस का नेता हता आ बात करी ने वीके सिंह पर भारे आलोचना थी रही है। परंतु सवाल ए छे कि एक पूर्व सैनिक ना मौत पर राजनीति करवी कितली योग्य छे। ब्यूरो रिपोर्ट वीटीवी न्यूज़।